अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम तमाशा के साथ फातिह अब्बास खान। ट्रैफिक कवानीन लोगों को पता है, इम्प्लीमेंट नहीं करते हैं, अपनी जानें ख़तरे में डाल के सड़कों पर निकलते हैं और रोड की जो SOPs हैं उन्हें बिल्कुल फॉलो नहीं करते, जिसकी वजह से ख़ुद भी नुकसान उठाते हैं, पूरी फैमिली भी गम और मसाइल को फेस करती है। खुदा ना करे किसी के प्यारे के साथ रोड के ऊपर कोई एक्सीडेंट हो या कोई प्रॉब्लम हो। हालात क्या आपको दिखाते हैं, हमारे साथ रहिए। क्या नाम है आपका? जुहैर। तो क्या करते हैं आप? मैं स्टडी करता हूँ। स्टडी, वेरी गुड, वेरी बहुत अच्छी बात है। किस क्लास में है? मैं सेकंड ईयर में। फिर तो बस करीब चला गया आप, तो बस हायर एजुकेशन से बस थोड़ा ही पीछे हैं। तो साइंस के साथ कर रहे हैं, कौन सा फेवरेट सब्जेक्ट है आपका? मैथ्स। बहुत पसंद है? बस पसंद ही है। नहीं नहीं, मैथ्स सबसे अच्छा है सब्जेक्ट। और क्या क्या है कॉम्बिनेशन जो बनाया आपने इसमें? मैथ और इंग्लिश। नहीं, वो साथ में केमिस्ट्री है या ICS कर रहे हैं आप? नहीं, मैं FSC प्री इंजीनियरिंग कर रहा हूँ। इंजीनियरिंग में केमिस्ट्री वगैरह और फिजिक्स मैथ ये सारा कॉम्बो है ना? हाँ जी। फिजिक्स को नहीं लिफ्ट करवाते? फिजिक्स नहीं पसंद। हालांकि बड़ा इनका ना बड़ा गहरा आपस में कॉम्बिनेशन है, लेकिन जो मैं फिजिक्स पढ़ाता है वो सर नहीं अच्छा। क्या कहें आप, सारी नहीं पसंद? अच्छा, वो बेचारा समझ नहीं आते, घर से उठाई आवाज़ आ रहा था, हमें भी आके वो आवाज़ आर कर देता है, फिर अब हम क्या करें? नहीं यार, टीचर हैं वो। नहीं, टीचर है, बंदा आके थोड़ा बहुत हंसी मजाक करता है तो बंदे की क्लास में बंदा फ्रेशमेंट हो जाती है। मैथ वाले हमारे सर आते हैं, वो कहते हैं आधा घंटा पढ़ाऊंगा, 15 मिनट बैठ के अब रेस्ट कर लेना। वो बंदे को पता था आखिरी 15 मिनट बैठ के रेस्ट करनी है, अभी बंदा आधा घंटा नहीं है। मैथ्स वाले बहुत जॉली होते हैं मोस्टली, मैंने देखा है। लेकिन फिजिक्स के भी बड़े बड़े माहिर असातिज़ा हैं जो बच्चों को पढ़ा लेते हैं, लेकिन पता नहीं आपके वाले क्यों मिले, आप क्या करें, पता नहीं क्या हुआ है। समझ तो आती है ना? नहीं, समझ तो आती है, पढ़ना तो है, लेकिन आप मजबूरी में बैठे होते हैं उस क्लास में। हैं बस, क्या यहाँ क्यों फंस गए? घर से खा सर गोश्त ले लिया है विदाउट हेलमेट। हेलमेट के विदाउट जी? ओहो, ये किस टीचर ने एडवाइस करना था आपको? ये घर के टीचर ने। क्या चक्कर हुआ, क्यों नहीं आप पढ़े लिखे हैं? सर्दी भी काफ़ी है, पता है हवा भी पड़ती है, फिर भी आप। और सेफ्टी का तो सबसे बड़ा प्रॉब्लम है, याद नहीं रहा आप तो। जून जुलाई तो है नहीं कि बहाना लगाएंगे यार, गर्मी बहुत थी है ना? ऐसे ही है, फिर याद ही नहीं रहा हेलमेट लेके आना। दरअसल कज़न मेरा बाइक से आया हुआ, उससे कहा चलो बाहर ले गया। अच्छा, लंदन ले गया हेलमेट साथ? नहीं नहीं, बाइक से आया, कह रहा था चलाओ चलें। ओके, मैं समझा वो साथ आपका हेलमेट लेके चला गया। नहीं, लेके नहीं गया, बस वो याद नहीं रहा, बेदिया नहीं, मैं बाहर निकला। अच्छा, फिर अभी क्या बना? चलान हुआ है। हो गया? ऑनलाइन कितने पैसे? 200 कर रहे हैं। 200 रुपया? 200 रुपया हेलमेट का है, 200। वो तो बड़े शौक से 200 रुपया एक्स्ट्रा जेब में रखा करेंगे, लेकिन काम है ना हमारा तो मकसद। पीनट भी नहीं 200 रुपए का, तो अपना चाय भी नहीं आती इनकी अब जो ये भाईजान है। बट पहले मेरा ख्याल है इससे ज़्यादा कुछ नहीं, रोड पे आपको पता ही ये तो बाइक इंतहाई ख़तरनाक है ना, इस पर ज़रा सा गिरते हैं तो। सर, हमने खुद अपनी आंखों से देखे एक्सीडेंट, एट दी स्पॉट डेथ होती। अल्लाह फजल फरमाए कि यार हेलमेट पहन ले, आपकी सेफ्टी है। नहीं, आप घर में आपकी प्यार नहीं कोई करता? नहीं करते हैं, घर हेलमेट पड़ा हुआ था। दरअसल मैं कॉलेज जब जाता हूँ मैं हेलमेट लेके निकलता हूँ, क्योंकि घर वाले आपसे तंग आ गए? मुस्लिम टाउन वाला जो कॉलेज है ना, वहाँ पर इधर से ज़्यादा वो है, सख्ती है, तो हम वहाँ पर कोशिश यही करते हैं हेलमेट लेके जाते हैं। मैं समझा आपसे तंग आ गए घर वाले। नहीं, नो मोर, हमें ये बंदा ही नहीं चाहिए। आप भी खुदकुशी करने खुदाना खास्ता निकले बाहर भेजते? नहीं, वो तो आप तो खुद देखें, हेलमेट के बगैर बाहर निकलना तो सीधा रही है जैसे आप सुसाइड करने निकलते हैं। ऐसे क्यों सर? बिल्कुल ऐसे, ये वही नहीं, क्या फ़र्क है इसमें? और जो नीयत करके मरने निकलता है अल्लाह ना करे, नहीं नहीं सेम है, बस ये लापरवाही करते हैं। इंतहा लापरवाही, लापरवाही इंतहा की। इसको छोटा सा फ़ाइन किया मैं, नेक्स्ट टाइम ज़रा केयर करें। उन्होंने नहीं बॉदर ही नहीं करना, पहले भी 1000 दफ़ा करवा चुके हैं। नहीं, पकड़े नहीं जाते कई दफ़ा। पूछ लें कितनी दफ़ा सर पकड़े गए आप, सही बता दें आज। मैं आपने फिजिक्स के टीचर की बातें सच्ची बताई हैं ना, अपने बारे में सच बोल दें? 1-2 दफ़ा पहले भी हुआ। नहीं, चला नहीं हुआ तो उन्होंने समझा दिया था। तो आपको समझ नहीं आई? कॉलेज पहन के गए हैं हेलमेट, उसके बाद सिर्फ आज ही नहीं याद रहा। नहीं, आप प्लीज़ हैं, कल भी मैं इधर से ही हो गया, कल मैं हेलमेट लेके आया हूँ। आप रिक्वेस्ट है हमारी कि आप अगर हैं सर, रोड है, देखें ना क्या मसाइल हैं। मुझे हाँ तो फिक्र होती है हेलमेट की। मेरा दोस्त जो था वो भी इसी तरह एक्सीडेंट में, उसको अल्लाह ना उसको माफ़ कर, उसकी मौत हो गई है बेचारे की। पता भी है, एक हादसा हुआ है फैमिली में, दोस्त कहीं, फिर भी हेलमेट नहीं यूज़ कर। आप प्लीज़ हैं, अल्लाह आपको कामयाब करे, कुछ साइंसदान बने, आप पाकिस्तान की वेलफेयर करें।
और आपके फिजिक्स के टीचर जो है उनके चेहरे पे भी स्माइल आया, अल्लाह करे आमीन आमीन, वो भी खुशी खुशी आपको पढ़ाया करे आमीन। थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी तो अभी आप वहाँ तक पहुँचे नहीं होंगे, लेकिन चलें तो खुश रहें, फिर ख्याल रखें अपना, बहुत खुश रहें और अपना ख्याल रखें। और जो आपके पीछे साहब बैठे हैं भाई, आपको पता है कि इनकी भी सेफ्टी आप जितनी ज़रूरी है ऐसे ही है, तो आप जब पीछे किसी को दावत दें बैठाएँ तो डबल हेलमेट होना चाहिए दोनों के पास। ये पहले रूल पास हुआ था इधर, लेकिन यहाँ पता नहीं क्या मसाइल हुए, उसको फिर वापस उन्होंने ले लिया। हालांकि बाइक का SOP है ही हेलमेट के साथ, ऐसे ही है, है ना, ऐसे ही है। और बहुत ख्याल रखें, थैंक यू सो मच। क्या हाल है सर? अल्हम्दुलिल्लाह। आपको क्यों रोक लिया? हेलमेट की वजह से। ओहो, क्यों रोका सर आपने? सर हेलमेट नहीं पहना हुआ था भाई। सर किसी काम जा रहे थे, आपने रोक लिया। इंपॉर्टेंट आदमी है यार, उन्होंने काम जाना होता है। अच्छे आदमी माशाल्लाह। अरे अच्छे कपड़े। आप किधर फंस गए? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम। क्या हुआ था? कुछ भी नहीं। रेड यार बची। सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या हुआ? रेड सी पैसे कम सी, कुत्ता सेल कर गए। कौन सा? दिखाओ यार, डॉगी दिखाएं। डॉगी दिखाएं, कौन सी ब्रीड है? बहुत प्यारा ये तो। ब्रीड कौन सी है ये? हाँ जी, कौन सी ब्रीड है यार? इन्ना नहीं मालूम यार। बहुत प्यारा ये, कितने का है? देखने होते जाके टमाटर देखने के लिए। वो बेचारा हाँ जी परेशान हो गया कि आपने उसे, तो ये बेचने जा रहे हैं, सेल करने जा रहे हैं? हाँ जी। हैं जी मार्केट में जी। है कहाँ से लिया आपने ये? घर से ही। अपना है? हाँ जी। इसके कहाँ हैं बाकी लोग, कहाँ हैं इसके फैमिली मेंबर्स यानी डॉगी के? यही है बस। अकेला अकलौता है? हाँ जी अकलौता ही। उधर लिया गेट पे लिया। आपका अपना है? हाँ। किस नाम से पुकारते हैं जी? नाम क्या है इसका? नाम दास। एक मिनट यार, आप दोनों को मैं अलग-अलग पूछ लूं तो आपके नाम ही नहीं मिल रहे। क्या नाम है इसका? लैगी। हाँ जी डैगी। डैगी डैगी जी। डैगी डैगी हाँ हाँ डैगी, देखें कितना प्यारा डैगी है। हाँ, तो आप बेचने क्यों जा रहे हैं? दस रहे हैं कि सर जी ब्रेड हुई है मेरी नाल की। हाँ। नाल दीदी उधर पैसे कम थी पर ये घर के से ये चलाना किया। नहीं तो किसको किसको चाहिए पैसे? किसको चाहिए? सानू ही चाहिए उधर देने ने ना हॉस्पिटल में। कौन है हॉस्पिटल में? हाँ जी हॉस्पिटल में कौन है? इसका चेहरा ऑब्जर्व करें ज़रा, मेरे व्यूअर्स देख सकें कि उधर उधर प्यार से यार प्यार से, इस तरह से गर्दन से नहीं, इसको मोड़ देना, इसका रुख मोड़ दें। ये बहुत प्यारा डॉग, बहुत प्यारी ब्रीड है। तो ये क्यों बेच रहे हैं? आपको पैसे चाहिए जी? कितने का बिक जाएगा ये? ये हम सर जी उधर ही पता लगेगा कितने का बिकता है। हैं महंगा ये बहुत महंगा कुत्ता है। तो आपको कहाँ से मिला था ये? ये बच्चा थोड़ा छोटा सी बाला सी दोस्त ने दिया। हाँ 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 ये देखे ना कितना कुछ कहना चाह रहा है, कितना जज्बाती है हो रहा है इस वक्त। तो ये आपके पास दोस्त से आया था? हाँ किस दोस्त ने दिया आपको? हाँ जी किस दोस्त ने दिया? दोस्त ही। नाम नहीं उसका? हाँ जी। कोई नाम नहीं उसका? विक्रम। विक्रम? हाँ जी। विक्रम क्या करता है? हाँ जी वो कबाड़िए का काम करता है। कबाड़िए के पास इतना अच्छा डॉगी कहाँ से आया? हाँ जी उन्हें रखे हुए थे ना कुछ किसी ने उनके पास घर ब्रीडिंग थी तो उधर से जी। फिर हाँ जी विक्रम ने कब दिया ये आपको? काफ़ी देर दो तीन महीने हो गए हैं। वो तीन महीने का तो कुल लग रहा है मुझे। नहीं नहीं तो आपके पास आंखें बंद ही आ गई थी इसकी? नहीं छोटा ही बिल्कुल बच्चा वाला है। अच्छा हाँ जी तो अभी कितने का किसी लिए उठा के लेके हैं ये? नहीं यार नहीं नहीं मेरा नहीं क्या चलो बता रहा हूँ आपको ये क्या। नहीं यार नहीं सही कह रहा हूँ आप। नहीं यार नहीं बेचारे शरीफ लोग हैं वो, शरीफ लोग लग रहे हैं। ये तो उठाए यार आगे से मेरे व्यूअर्स जो हैं वो जो पेट लवर्स हैं बेचारे। क्या यार आपको क्यों इस तरह के शक पड़ते हैं यार सड़क पे खड़े ठाक लेके हैं शरीफ लोग हैं यार ना करो इस तरह की गारंटी लेनी है आपको क्यों इस तरह की बात देन में आई? क्या हुआ? ये बहुत महंगा जानवर है ये भाईजान, बहुत अच्छा जानवर है ये, इनको अपना नहीं है मेरे नाल ये किसी कोठी के जानवर है ये किसी कोठी से उठा के ले गए हैं किसी कोठी से। कोठी से उठा लाए? हाँ ना कर यार ये कोठी से उठा लाए। मैं सही कह रहा हूँ आपको किस कोठी से उठाया बात इन्हों पता कहाँ से उठा ले। नहीं यार ये मुझे लग नहीं रहा नहीं लिया शरीफ लोग लग रहे हैं। और ये जानवर ये सड़क चलती पे आपने जानवर ये यही ले सकते कहाँ से कहाँ से लिए थे? भाई कार ने नशा सी नहीं कर रहे हैं इस टाइम मजबूर है भाई मैं। हां जी दिखाएं यार दिखाएं जरा दिखाएं बहुत प्यारा यार ये तो देखें कितनी प्यारी ब्रीड है ये देखें ओए होए बहुत प्यारा है बच्चा बहुत प्यारा है डॉगी का बच्चा
अच्छा दियो नहीं तो ये मुझे आप बताएं ना कि ये भोंगता भोंगता भी है। हाँ जी भोंगता है वाइट डॉग है। हाँ जी भोंगता बड़ी राखी करता राखी करता हाँ जी बड़ी कितने का बिक जाएगा ये सर जी हूँ तो पता लगे विक्रम को पता था कितने का है ये नहीं पाँच छे हजार सात हजार दे देगा नहीं महंगा है महंगा ये 5,000 से महंगे वाला देगा। तो आपका क्या नाम है? हाँ जी नासिर। कहाँ रहते हैं नासिर? यूनाबाद। अच्छा तो क्या आप क्या करते हैं? मैं फ्रूट का काम करता हूँ। कहाँ? यूनाबाद के पास सामने। ठीक है काम। हाँ जी शुक्र है। डॉगी को बेचे बगैर नहीं चल रहा था सर जी? मौसम थोड़ा खराब थी किन्नो छिन्नो का काम कर रहे हैं हो जाए नहीं चल रहा। अच्छा काम स्लो सी। अच्छा उंदी वैन तो थोड़ी है परेशान। कुत्ता बेचने का फैसला कर लिया सर जी? हूँ इधर भी हूँ घर बच्चे ने भी उन्होंने ले आना है कि नहीं। कितने बच्चे हैं आपके? पहले 4 बेटियाँ एक बेटा। माशाल्लाह माशाल्लाह। अच्छा तो अच्छा घर के हालात ठीक हैं? बस फिर हाल गुजार रही है। काम सही जा रहा है? हाँ जी। अच्छा तो ये आपके पास तकरीबन 3 महीने से आ गया था जी? ये भोंगता भोंगता है मोहल्ले वालों को पता है आपने रखा हुआ है जी? पड़ता पड़ता नहीं किसी को? नहीं पड़ता नहीं है। फ्रेंडली डॉग है? हाँ जी। बहुत प्यारा है ये। हाँ। बहुत प्यारा डॉग है ये देखे ना आपसे अटकेलियाँ कर रहा है। हाँ या पता नहीं आपसे जान छुड़वा रहा है दोनों स्पोर्ट्स में। नहीं ऐसे नहीं ताड़े ना भी नहीं कर रहे। मेरे बहुत अच्छा मेरा पारा सा बेबी है ये बहुत प्यारा। तो फिर अब आप मार्केट ही जा रहे हैं सीधा ही जी? चलान भी करवा लिया आपने? हाँ जी। ये हमसे मुलाकात के लिए चलान हो गया आपका है? उन्होंने भी दसिया सी। क्या उन्होंने भी मजबूरी दसी कि ताड़ी मेहरबानी जान दो सानू सर दे दो आप जाएंगे फिर? हाँ जी। ये हमें ही भेज दें यार हमें दे जाएं। हाँ जी। हाँ क्या ख्याल है? 20,000 का है। 5,000 का कह रहे थे 4-5,000 से 20 का कैसे हो गया? गड्डी है। हाँ जी नासिर भाई सर जी हूँ मुझे 25,000 रुपया होता है। आप जब कह रहे थे कि 4-5,000 का 6,000 का मैक्सिमम है नहीं तो ये 20 का कैसे हो गया? नहीं सर खड़े खड़े 20 का हो गया नहीं। विक्रम को भी नहीं पता कितने का है कुत्ता आपको भी नहीं पता कितने का? सर मेहरबानी सानू इजाजत दो। आपका क्या नाम है? दाऊद। आप क्या लगते हैं इनके? उस्ताद है। उस्ताद है फ्रूट के उस्ताद तुम्हारे मुझे बड़े तेज लग रहे हैं ध्यान करना दाऊद। नहीं ठीक है क्या सिखाते हैं आपको? मैं फ्रूट का काम सीखता हूँ। तो ये उस्ताद देखो कुत्ते बेचने जा रहे हैं। नहीं वो पैसों की जरूरत है। अभी इम्पोर्टेड कुत्ता है भाई वो पैसों की जरूरत है ना हमको। मामूली कुत्ता नहीं है। हाँ वो बेचारा नॉर्मल सा डॉगी नहीं बाहर वाला। हाँ जी वो इम्पोर्टेड ब्रीड है भाई। ये कहाँ से आया? दोस्त ने दिया। हाँ हाँ दे सकता है मैंने कब कहा नहीं दे सकता। तो अपना ख्याल रखो उस्ताद का भी ख्याल करो। क्या नाम बताया था इसका? नासिर। नहीं डॉगी का यार यार मुझे तो ये नाम भूल गया। क्या नाम बताया था आपने? हाँ जी नाम क्या बताया था इसका? डॉगी। देखे ना नाम ही नहीं पता। तो आपने 3 महीने से रखा है आपने नाम ही कोई नहीं रखा इसका? सर जी ऐसा मना बड़े परेशान हो। थोड़ा सोच लें मैं साथ हूँ परेशानी में। नाम तो बता दें इसका। हाँ जी नाम यार नाम दा नाम एक मिनट यार एक मिनट की है डोंकी। हाँ जी डोंकी क्या यार जगह नाम भूल गए भाई। रैंडी पहले और नाम बताया 5 मिनट बाद नाम बदल लिया। रैंडी बताया भैया रैंडी रैंडी भाई ये देख लेना सर ध्यान करना भाई काम ऐसा वैसा ना कर बैठना सर ऐसी की कर बड़े मसाइल हैं आजकल। देखो तस्वीर ले रहे हो ना नो टेंशन। नहीं यार वो तो ठीक है मैं वो नहीं कह रहा बस आपने ख्याल रखना है। दिखाएं जरा आखिरी दफा मुझे दिखा दें मैं फिर इससे प्यार करूं थोड़ा सा फिर इजाजत फिर हमें इजाजत नहीं आप हैं वहाँ पर रैंडी रख दिया नाम उसको। हाँ बेबी अब पता नहीं ये बेबी जो है इनके साथ कितना खुश है क्या हालात है चले खुश रहे। ओके बहुत शुक्रिया। गली में घर आप इधर ही रहते हैं? हेलो बेटा कैसे हैं क्या नाम है आपका? सुभान मदान नाम। नाम क्या? सुभान। सुभान सुभान कैसे हो हैं कैसे हो और सर कैसे क्या नाम है आपका? सुनैन। सुनैन भाई बड़ा प्यारा नाम माशाल्लाह। क्या करते हैं आप? सर मेरी शॉप है जेल रोड पर। अच्छा 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 सर सामने आपके साथ है? मेरे वाला साहब है। भाई साहब साथ हैं? जी जी अल्हम्दुलिल्लाह। खैरियत है ना? शुक्र अल्लाह। तो किधर इधर किधर? सही है ना गली में घर है हमारा। क्यों सर रोका? ये वन वे आ रहे हैं अभी पैदल उतर के आ रहे हैं लेकिन ये आ वन वे रहे हैं ये अलग प्रॉपर वे है वो सामने यूटर्न एलओएस पे सामने सबको पता करिए इधर के प्रॉपर रशियाँ तो इनको तो ज़्यादा पता होना चाहिए।
लेकिन उसके बावजूद ही इन्होंने मेरा घर है, आपका भी राइट बनता है, लेकिन आप जरूर अपने वन में लेके आना इसको बाइक को। थल्ले उतर पता क्या चीज़ है, नीचे उतर के आए या बैठ के आए, मकसद ये है कि आप सीधे रस्ते से आ जाए, आप ना नीचे इधर से गाड़ियाँ टर्न करती हैं, खुदा ना सा लग जाए, नुकसान हो जाएगा, छोटा बच्चा बैठा हुआ, आप लोग बैठे हुए हैं। सर मेहरबानी है आपकी, सर मेहरबानी है, सर आपकी मेहरबानी है सर। नहीं एहतराम आप मेरा ना करें, आप कानून का एहतराम करें, क्योंकि ये कानून ये किधर जा रहे हैं, ये किधर क्या सर? आपका ड्राइविंग लाइसेंस बना हुआ है। सलाम वालेकुम क्या हाल है जी? ठीक। क्या भाई अपना हकीम साहब दे नाल ही घर है यार। जी हकीम साहब दे नाल है, या जिधर भी हकीम साहब ने परमिशन खुशी थोड़ी है, पैदल आए हो, पैदल आए हो, लेकिन पैदल वाले भाई प्रॉपर वे से चले जाए, अगर आपको ज्यादा जरूरत है आप प्रॉपर वे से चले जाए, बिल्कुल गलत है ये चीज भाई, इस तरह तो सारे लोग फिर पैदल इधर से लेके जाया करेंगे, आप प्रॉपर वे से जाए, आप ना गलत जाए, आप लोग इधर के रहिए, आप लोगों ने बताना लोगों को कि हम सीधा रास्ता कौन सा, तो आप ही अगर उल्टे रास्ते पे जाएंगे सब इस तरह आएंगे। आप खुश रहे लेकिन ख्याल करें, चले मेरे हैं आप पढ़े, आप इन्हें समझाए ना, सीधे रास्ते से लेके जाए। वो साथ वाले दोनों भाई उतार दिए हैं आपने? तीन बंदे आ रहे थे, तीन बैठे हुए थे, और ट्रिपल पे थे और वन वे भी है। ओहो क्या हाल है आपकी, कितनी है अभी ये, कितनी है आपकी उम्र? भूल गए भाई, ड्राइविंग लाइसेंस पड़ा हुआ आपका, आईडी कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस और गाड़ी के पेपर हैं आपके पास? भाई के पास है जी, भाई भाई के पास है। नहीं बाइक आप ड्राइव कर रहे हो ना? नहीं मैंने गली में जाना है, अगली साल जिधर भी गली में रहते हो, जिधर भी रहते हो, डॉक्यूमेंट आपके पास होने चाहिए, आप ड्राइव कर रहे हो, बाइक आपके पास है ना इस वक्त, इसके कोई पेपर आपके पास ओरिजिनल हैं दिखाएं मुझे? भाई के पास है। अभी आप कह रहे हैं मेरे पास हैं? मैंने कहा है लेकिन भाई के पास है। मैंने आपकी बंद कर दें वन में आने पे, बाइक आपकी बंद हो जाएगी वन में आने पे। मैं जाना है, मैं खुद भी जाना है, घर गली में हो या जिधर भी हो, मकसद ये है कि आप वन में आ रहे हो, वन में नहीं आप आ सकते थे, आप गलत रॉन्ग वे यूज़ कर रहे हो, इसलिए गाड़ी आपकी बंद हो रही है। क्या नाम है आपका, नाम क्या आपका, क्या करते हैं आप? बिलाल। बिलाल भाई बिलाल क्या करते हैं आप? गोश्त का काम। गोश्त सही जा रहा है काम? मुनाफा ज़्यादा तो नहीं हो गया? बिलाल भाई मोबाइल नंबर बताइएगा अपना। मोबाइल नंबर 0320 164 164 164 164। बाइक आपकी बंद कर, सिर्फ एक सेकंड ठहरिए, सिर्फ एक सेकंड, मेरी रिक्वेस्ट, एक बिलाल भाई मुझे बताएं कि ये आप इस तरह ही करते हैं? नहीं रेगुलर इस तरह करते हैं? नहीं मैं देखिए तो सर देखें आपके लिए कितना वो फिक्रमंद है, और आपकी ज़िंदगी को वो कितना कीमती जानते हैं, आपको रोक लिया उन्होंने, लेकिन आप अपने आप को कीमती समझते नहीं शायद, हैं घर में लड़े हुए हैं सबसे आप? नहीं फिर जिंदा नहीं रहना चाहते? रहना चाहते हैं। तो फिर क्यों इस तरह कर रहे हैं यार, अल्लाह ना करे आपको कुछ हो जाए तो क्या बनेगा आपके वालदैन का, वो क्या सोचेंगे हैं? क्यों बिलाल भाई, और आपकी तो एज हुई नहीं बाइक चलाने की, हैं आप बेटा आप हेलमेट भी नहीं पहनते और वन वे भी आ रहे हो, हेलमेट भी नहीं पहना आपने, या आपने अब तो FIR है ना वन वे की? डेफिनेटली FIR बनती है, बिकॉज के पर्चा है भाई, पर्चा सीधा सीधा ही पर्चा है भाई, और फिर जेल है, कौन सी जेल जाना है भाई, कैंप जेल जाना है या वो कोट लखपत जेल जाना है, वो पसंदगी हो सकती है जब जुडिशल आप हो जाएंगे, हैं किधर जाना है? इस्लामपुरे। इस्लामपुरे जेल है कोई? इस्लामपुरे तो थाने की जेल में रहेगा फिर, थाने की जेल बेटा जब आप हेलमेट भी नहीं पहनेंगे, वन वे भी आएंगे, डॉक्यूमेंट भी नहीं होंगे, तो डेफिनेटली आप FIR तो नहीं है फिर, वन वे पे FIR भी होती है और 2000 का जुर्माना भी होता है साहब, अभी जुर्माना कर दूँ आपको, जुर्माना कर दूँ अभी आपको, उनको पकड़नी है आपने मुझे पकड़ ली है, सुपरमैन है भाई, उड़ के पकड़े आपको, क्लियर करूँगा तो किसी को पकड़ूंगा, कैसे पकड़े भाई, सुपरमैन थोड़ी खड़े हैं आपके सामने, ओ बाप रे आपके साथ है, आपको वीडियो गेम तो नहीं खेल रहे, चार जने आपके सामने चले गए यहाँ से अभी अभी, वो देखो वो जा रहा है, आप को लगता है कि ये अच्छा काम है जो आप कर रहे हैं? नहीं मैं तो गली में जाना था इसलिए मैं यहाँ से आ गया। नहीं आपके नज़दीक ये अच्छा काम है? नहीं अच्छा काम थोड़ी है, और वन वे जाना बहुत अच्छी अच्छी बात? नहीं क्या होता है इससे? कुछ नहीं होता, जान जान का खतरा है, है? जान का खतरा है ये पता है आपको? हाँ तो फिर क्यों जाते हैं आप, हैं फिर क्यों जाते हैं? पब्लिक की हेल्प ले लेते हैं, सर एक मिनट ज़रा आप आइए, बाकी पब्लिक की हेल्प ले लेते हैं, वो क्या कहते हैं, हैं क्या कहते हैं? सलाम वालेकुम जी, सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप?
आपका नाम क्या है? अब्बास। अब्बास भाई, आपके भी बच्चे माशाल्लाह होंगे। हाँ जी। छोटा बच्चा आपका जो अभी इस एज का हो, हाँ, वो इसी तरह वन में जा रहा हो, हाँ, तो आपको अच्छा लगेगा बुरा लगेगा? बहुत बुरा लगेगा जी, बहुत बुरी बात है जी, वन में नहीं जाना चाहिए, है ना? हाँ जी। क्या कैसे रोका जाए, इनको पता भी है फिर भी देखें? ये पढ़े लिखे बच्चे हैं, इनको खुद ब खुद शऊर होना चाहिए कि हम क्या कर रहे हैं। माँ बाप का सोचना चाहिए कि ये कोई बहुत बड़ा हादसा हो सकता है, तो ये है ना। हाँ, इनको खुद को सोच। क्यों सर, आप क्या कहते हैं? सामने आप ठीक हैं, खैरियत? इसको टाइम का जुर्माना करें फिर ये ठीक हो जाएगा। पैसा बड़ा हमारे पास, सिर्फ टाइम का जुर्माना करें। वो कैसे? वो इसको दो घंटे से ज़्यादा दे दें, ठीक हो जाएगा अगले तक। अच्छा, सिर्फ दो घंटे से ज़्यादा दें। बड़ा खूबसूरत आइडिया है। आप मेरा इंटरव्यू करें, मैं आपको बताऊँ कि ट्रैफिक ठीक कैसे हो। आप मेरे साथ आइए, आइए आइए पहले, एक सेकंड मैं आ रहा हूँ, आइए मेरे साथ साथ। अस्सलाम वालेकुम। कहाँ सर? देखे क्या सर? सलामकुम, ये क्या हो रहा है हमारे इधर? एफ आई ए पुलिस क्या है? उधर सर सफाई का काम करते हैं। अच्छा, सफाई? हाँ जी। नहीं यार, आप भाई हैं, ठीक है, समझ आ रही है। सफाई का सर काम करते हैं। क्या करते हैं? सफाई का काम करते हैं। तो भाई जान, ये क्या काम किया हुआ आपने? ये तो सर जी बस फ्लाइट फॉर लीव थे, नहीं पैसे। फ्लाइट फॉर लीव, ये एफआईए क्यों लिखा हुआ आपने? उधर काम करते हैं ना सर, एफआईए के बिल्डिंग में। अच्छा, हाँ जी। इस तरह तो बंदा, हर बंदा इस तरह ही करेगा, फ्लाइट फॉर गाड़ी बाइक गाड़ी लेके एफआईए लिखवा लेगा। ये तनख्वाह काट मिल रही है, जिन्हें लंबर नहीं लगवा सके किस्तार गड्डी। ये देखें एफआईए पुलिस लिखा हुआ पीछे। हाँ, तो इसको करें ठीक, क्यों नहीं कर सकते? एफआईए पुलिस ये कर सकते हैं, ट्रैफिक वाले कर सकते हैं, ये करना नहीं चाहते। अच्छा, ट्रैफिक को ठीक करना नहीं चाहते। जिस दिन ये खुद चाहेंगे कि ट्रैफिक ठीक हो जाए। कहाँ गए हैं भाईजान? उस दिन ट्रैफिक ठीक हो। बुलाएं जरा सर को। पाकिस्तान में दुनिया की हर चीज़ है, टाइम नहीं है। इनको टाइम का जुर्माना करें, ठीक हो जाए, अगली दफा ठीक हो जाए। 4-5 घंटे बैठा लिया करें। हाँ, अच्छा, मोटरवे है ना, मोटर आइडिया मैं बात कर रहा हूँ, मोटरवे है ना, जो यहाँ पे गलत चलाता है वो ठीक चलाता है, वहाँ पे कानून है, इनको कानून नजर नहीं आता। कहाँ गया एफआईए वाला भाई? जी सर, एफआईए। कब से आप एफआईए जाते हैं? ये सर मुझे तो अभी 2 माह में, ये जरा पुराना है। आपका क्या नाम है? फयाज नाम है। फयाज भाई, कहाँ, किस एफआईए जाते हैं आप? ये साइबर क्राइम। साइबर जाते हैं? अच्छा अच्छा, तो ठीक चल रहा है ये अभी ड्यूटी से करके आए सर, का काम ही जा रहे हैं हम, सर के काम जा रहे हैं। हाँ जी, तो ये इधर से ना हमने ये खाना खाना था इधर पास, इसलिए इधर से वन वे भी आ रहे हैं, और नंबर प्लेट भी आपने देखे हैं। वो तो हमारी गलती है सर, जो कुछ मर्जी कर सकते हैं। नहीं नहीं, मैं कौन यार, मैं तो अपना आपका देखें भाई। आप वैसे आप भी एफ आई एन के साथ ही होते? जी जी, साथ ही होते हैं। ये अजीब बात बता रहे हैं आप सर। 2 बंदों की ड्यूटी है ना? 2 बंदों की ड्यूटी। हाँ जी। हेलमेट शेलमेट भी नहीं पहनते, वो भी सर ने रोक दिया। सर ने कहा था मेरे नाम का लिख दो नीचे, मैं एफआईए। ऐसी बात नहीं सर जी, हेलमेट वगैरह हर चीज़ है, अभी हम जब पास ही निकले तो इसलिए हमने हेलमेट। नहीं यार, ये अपना ये तो बड़ा सीरियस क्राइम आप कर रहे हैं। नहीं नहीं, तो क्या सर इसका क्या है? ये देखें, वन भी आए हैं, हेलमेट भी नहीं पहना। अगर लाइसेंस आपके पास है तो वो काइंडली मुझे दे दें। सर जी, लाइसेंस तो नहीं मेरे पास है। पढ़ा हुआ आपका? नहीं जी। गाड़ी के पेपर आपके पास है? अभी तो किस्तों में ली है, अभी तक ये भी अगर किस्तों पे ली है तो ये लिखवाने की क्या ज़रूरत है आपको? जी मैं अर्ज यही कर रहा भाई, सारी तनख्वाह नहीं मिलती, 20 दिन नहीं लगवाया अभी तक। नहीं नहीं, तनख्वाह नहीं मिल रही, ये लगवा लिया आपने, आप इसका प्रॉपर या तो नंबर लगवाते। जब तक इसको नंबर नहीं लगा, इसको ऑन रोड लेके नहीं आपने आना था। ये पुरानी बाइक है, कोई नई तो नहीं? आप वकील साहब बन गए? वकील साहब, वकील साहब गए इस तरह कैसे यार? ये तरीका का आ रहा है, कहीं नहीं देखे। चलान हुआ है आपका? वो चलान किधर है आपका? चलान किधर? पास ही है जी, पास ही है। वो दिखा लें जरा, कौन सा चलान है आपका? दिखाएँ जो पहले चलान हुआ है, वो दिखाएँ जरा। ये पकड़ो, चलान दिखाने लगे। चलान कह रहा है, मेरा चलान आ रहा है। इस तरह की नंबर प्लेट्स जिसमें किसी इदारे का नाम इस्तेमाल किया जाए, वो क्या उसका क्या जुर्म? इम्प्रॉपर नंबर प्लेट है, इस पर बाइक बांधी होती है, इस पर भी बाइक बंद होती है, मुड़ते जा रहे हैं। अच्छा, तो ये 16 तारीख को हुआ है? ये नहीं, ये तो अभी उधर ही फंसा हुआ है हमारा कचहरी में ही सर जी। ये देखे ना, पेड़ आप है, ये तो चलान आपका पेड़ आ रेडी, आपने लिया हुआ, आपके कचहरी में फंसा हुआ है। ये उसी टाइम जमा करवा दिया था, ये इधर हुआ था। कौन सा? अभी इनमें से देख लीजिए। चलिए ठीक है, ये भी पेड़ है, वो भी पेड़ है। मकसद ये है कि आप वन वे फिर आपको आने की कोई ज़रूरत? मेरे हैंड में एक और भी है, जब आपको तीन चलाना है इसके बाद हो चुके हैं, उसके बाद कोई ज़रूरत थी क्या फिर बाद में? साथ ही खाना खाना जाना था। साथ जाएं या दूर जाएं, मकसद ये कि जिसको भी रोका करो उसने साथ ही कहना है। हाँ जी, लेकिन साथ वालों को या तो कोई खसूसी परमिशन हासिल है तो वो फिर हमें बता दें।
माजरा अपनी जगह पे होती है, लेकिन डॉक्यूमेंट काइंडली मुझे दीजिएगा, अदरवाइज बाइक आपकी बंद हो जाएगी भाई। सर जी माजरा करने, बाइक आपकी बंद कर रहा हूँ। एफआईआर देंगे जी, इनकी बाइक बंद करेंगे, एफआईआर भी देंगे जी माजरा। ठीक है, ऐ मेरी मोटरसाइकिल जितो लेती है जी, वो थोड़ी है जी। वो ठीक है, वो तो ठीक है, आप वो तो ठीक है, वो तो ठीक है। आपने एक सरकारी महकमे का नंबर नाम लिखा हुआ है, ये तो देहाती है कि नहीं? वहाँ पे एज ए स्वीपर इस तरह ये आप सबसे मजेदार बातें कर रहे हैं। आपका क्या नाम है? हारून रशीद। हारून भाई आप क्या करते हैं? मेरा भी शोरूम है इस्लामाबाद में। बड़ी प्यारी बातें यार आप कर रहे हैं, बड़ी कानूनी बातें कर रहे हैं। अच्छा एक मिनट भाई मेरे जी, सर क्या चक्कर चल रहा है यार? ये आपको वन वे का तो मेरे भाई पता है ना यार? हाँ जी है, पर कभी ऐसे किया नहीं हमने, रोज इधर से ही गुजरते हैं। ये बाकी चलान जो है ये किए बगैर कैसे हो गए हैं? ये चलान ये नहीं, ये तो काफी ये दो तीन रखे चलान किस चीज के हैं? ओ भाई जान, ये दो दो रिक्शे के हुए थे काफी देर के। अभी अंदर जोग आ रहे हैं सर वन में, रोके ने रोके प्लीज। वो तो पुराने हैं, पिछले साल के हैं, दो तीन साल पुराने हैं। अभी इस बाइक का कोई चलान आपके पास है? जी दिखाया तो है आपको। अभी कह रहे हो ये पुराने हैं, अभी कह रहे हो पुराने नहीं भाई जान, ये देखे कुछ गलती की तो चलान हुआ ना। मेरे गुजारिश है, आपने कहा मैंने कभी किया नहीं, मैं पहली दफा आया हूँ, तो हमने कहा यार ये चलान लिए फिर रहे हो, साथ कह रहे हो मैंने पहली दफा किया, हम तो ये पूछ रहे हैं। मेरे भाई जान ये जो सा चलान, घर में कोई परेशानी तो नहीं चल रही भाई? मेरा फंसा हुआ है घर में, कोई मसला तो नहीं चल रहा? नहीं जी। वो खैर है ना? हाँ जी। लड़े तो नहीं हुए किसी से? नहीं। पक्की बात है? वो बस सैलरी परेशान है जी, और कीजिए। वो किसी से कोई बदला तो नहीं लेना? नहीं सर, बदला कितों लेना? ध्यान करो, ये अपना एफआईआर पीछे लिखवा के क्या मतलब हो रहा है यार? ये क्या चक्कर क्या है? ये नंबर प्लेट उतारे हैं ये वाली, अभी आप है? आप इसे उतार दे, नंबर प्लेट को उतारे, सामने उतारे, इसको तोड़ दे, इसको उतार दे, खुद उतारे आप। मामला ये है कि इस तरह तो खराब हो जाए, ये पर्चा है इस पे भी एफआईआर है बकायदा। इसको अभी उतारे आप, इस नंबर प्लेट को अभी उतारे, गैर नमूना जो है आप इसको उतार दे बस, उतारे इसको, नहीं दिल कर रहा उतार दे, उतार देते सर जी, कोई बात नहीं, उतारे आप अभी उतारे, तो फिर आगे जाके क्या होगा? या तो बंदी कर देगा, तो आप मुझे बताएं कि ये नंबर है आपका, तो फिर लौटती वो लेके आ चाबी उधर से, इनके सामने उतार दे, है तो इसको उतार, चाबी कौन सी उतारने वाली? हाँ जी अच्छा उतारने वाली चाबी। अपने कब की है? महकमे के साथ आपका कोई तल्लक है? ड्यूटी करते सर जी, उन्होंने आपको बाइक दी हुई है, ये महकमे की बाइक है? बाइक तो महकमे की नहीं है, आपकी अपनी पर्सनल है ना, तो आपको क्या जरूरत है ये लिखवाने की? सर जी बस फिर किसी मौका कुछ ज़्यादा रोक लेंगे, फिर फोन शून कराने पड़े, फिर भी जान देने, फोन ये नंबर प्लेटें फ़ोन करती हैं? नहीं फिर ऐसे कोई नहीं भी रोकता, कोई रोक देता आज फोन करवाएं, आज सुन के फिर हम चले जाते हैं। फोन करवाएं भला, किसको करवाते हैं आप? फोन तो करवाएं बात करवा दें, क्या हार जाए हम साथ हैं आपके, मिटा देते आप कहते नहीं नहीं मिटाए, वो तो आपने सर की बात माननी है, हमारी भी को मान लेना है। आए ना सर, आप आए, आए ऑनलाइन पे कीजिएगा, चलान पे करके ऑनलाइन अपनी गाड़ी थाने से। कितना चलान करेंगे ये सर? इनका 2000 वन वे का है, 200 इनका ये जो नंबर प्लेट है। आप एक काम करें प्लीज सर, आप एक काम करें मेरी रिक्वेस्ट पे सर, आप ये करें कि वो एफआईआर नहीं है, एफआईआर भी सर होगी तो वो क्यों नहीं देनी आपने? वो भी देंगे ना, दो जी चलान बता रहा हूँ उनको, इतना चलान करेंगे उसके बाद पे करें। ये देखें जरा, सुने गौर से सर की बात, क्या भला कितना हो गया गिने यार? 2000 आपका वन वे आने का, 200 रुपये आपका इस नंबर पे, 2000 जमा 100, 2001 जमा 100, 2000 2200 रुपया हो गया, 2200 रुपया जुर्माना करके। अभी आपको ज़्यादा कोड नहीं लगा, 2200 कोई मसला है भला? देखें नॉर्मल काम हो गया सर जी, मैं देखे ना मोटरसाइकिल ही डाल लो, मैं तो पैदल चलाया करा काम, मैं तो समझो कि पुरानी कहीं गुजारा करता है अपना, तुम्हें तो मारे बने करते भी एक साथ ना, मैं किधर को बड़ा अफसर स्लीपर है वो? एक बात बताएं, कानून है भाई जी सर, मैं वन वे नहीं जाते, माफी क्या ना गया देखो, क्योंकि गलती मेरी उसका है, देखे मेरी गुजारिश सुने। आपका सर नाम क्या है भला, पूरा नाम आपका क्या? अफजाल यकूब। अफजाल भाई ने आपको सुना है, अब उन्होंने गलती माफ करनी है या नहीं करनी है? इसका माड़े तगड़े से एक मिनट तो भाई को कह भी रहा था, भाई मैंने इधर मोल दी एकदम से गाड़ी, देखी आपने कहीं देखी होगी? हाँ देखी थी। देखी थी कि नहीं? देखी देखी। मैंने कहा भाई नहीं यार ऐसे नहीं होता, पैदल चले जाते हैं वो सही है, कहता नहीं नहीं कोई बात नहीं यार जल्दी है थोड़ा सा, आधे देगा ना वो पैसे जो कह रहा था जल्दी है। नहीं वो उसे क्या बताओ, वो तो अभी थोड़ी थोड़े दिन ही तो होए उन्होंने लगे, मैं तो थोड़ा सा पुराना जी इसलिए मैं। अच्छा आप वन में वैसे आते रहते हैं? नहीं सर। मुकर जाएं आज, कहीं मैं कभी नहीं आया, उस पैरों से मिट्टी नहीं छोड़ने आगे, मैं कभी आया ही नहीं, ये काम ही मैं इस तरह सोच ही नहीं सकता, कह दें मैं साथ हूँ। अभी एक बार मैंने यू टर्न लिया है,
वो भी सुबह के टाइम वो उधर से। और कभी कभार हफ्ते में कितनी दफ़ा नहीं, जब रश हो फिर नहीं लेता मैं यू टर्न। हफ्ते में ये रश कितनी दफ़ा नहीं मिलता आपको? सुबह के टाइम से भी यू टर्न लेट हो ज़्यादा। रोज़ ही इस तरह है ना? डेली? डेली तो नहीं, एवरी मॉर्निंग आप एक वन वे करते हैं? हाँ जी डेली एक वन वे, डेली एक वन वे। वो एग्री कर रहे हैं, वो तो एग्री कर रहे हैं इस बात पे भाईजान। 6 बजे सुबह कोई भी नहीं होता इतना रश। हम आपके हक में ही दलाइल दे रहे हैं, हम आपके साथ हैं, हम तो आपकी वाह वाली बात ही कर रहे हैं कि रोज आप एक वन वे कर जाते हैं। सर जी उन किसी और भी माजर करना, घर जाना, जरा घर वाले भी ठीक है। तो लग रहा है तुम्हारी थाने में रात है आज, मुश्किल हो जाना है। आप भी साथ हैं इनके? हाँ जी सर। यार वो आप क्या उतार रहे हैं नंबर प्लेट? हाँ यार ये आसानी हुआ है या मैं हेल्प कर दूं आपकी? नहीं सर बहुत शुक्रिया। हाँ यार ये ना लगाए हैं, वो किसी बड़ी मुसीबत में ना फंस जाइएगा। उनको रिक्वेस्ट कर दें। रिक्वेस्ट क्या करूँ कि इनको थाने भेज दें? मैं कहता हूँ सर क्या कहना है, हमें छोड़ दें, हमें जाना है घर सर जी। घर जाना है? हाँ जी। यार भाई जाएँ घर, लेकिन सर को सेटिस्फाई तो करें ना आप। हैं अब उनको बता दिया जॉब कर 2200 रुपया मांग रहे हैं अगले, वो देखें। आपके साथ वाला जो बंदा है वो कह रहा है कि मैं वापस जा रहा था, इस भाई ने मुझे कहा कि नहीं सीधे ही चलो। चले ड्राइविंग तो उसके हाथ ही ना, मैं बता रहा हूँ तो आप इकट्ठे थे ना, आप दोनों भाई इकट्ठे थे ना। फोन कर रहा है, फोन सुनते हैं वाला। फोन तो सुनना चाहिए। नहीं सर फोन फोन तो सुनना चाहिए। फोन कर रहा है किसको कर रहा है? आपके ट्रैफिक पुलिस वाले भी उधर आते रहते हैं। आपके ट्रैफिक पुलिस वाले क्या करते हैं? मैंने कहा उधर अपनी कंप्लेन देने आते हैं। हाँ हाँ यार कंप्लेन हमारा कमाल है यार, FIA हमारी एजेंसी है यार, हमारी रिस्पेक्टेड एजेंसी है, उसकी तो हम बात ही नहीं कर रहे। फ़ोन नहीं उठाया? नहीं भाई फ़ोन नहीं उठाया। क्यों सर फ़ोन नहीं? फ़ोन क्या करनी, गलती मारी है सर जी। अच्छा जी सर आप किधर रहते हो? हम शाहदरा सर। शाहदरा रहते हैं? हाँ। यार कुछ ख्याल किया करें यार अपना। जी सर आप देखें एक अमीर आदमी बन जाएंगे इंशाल्लाह, लेकिन उसके लिए ज़िंदा रहना ज़रूरी है। जो आप कर रहे हैं उसमें तो हालात हैं बात सर जी, हालात बड़े सीरियस ने। हाँ हाँ ध्यान से यार ध्यान से आए ना यार, मामला फैमिली से मसला हल कर लेते हैं। आए मेरा भाई जान लो। हाँ हाँ बात तो सुने ना, आए इधर मेरे पास, मेरी बात सुननी है। मुझे ये बताएं कि आप आइंदा ऐसा नहीं करेंगे? जी सर माजी सर नहीं प्लीज़ आप इस तरह ना करें मुझे। आप क्यों अपना सीरियस हो गया? देखने के कोई और भी यू टर्न नहीं लेंगे जी। मेरी तो यह नसीब है कि मैं आज यू टर्न लेता अगली बार। इतनी 2200 रुपए में आपका ईमान कैसे बदल गया फौरी? 2200 से सर जी मेरी ये तो कानों को हाथ बंदा लगाते हैं, 2 करोड़ लग जाए सड़क पे खड़े खड़े। गलती ने नाल ही 2 करोड़ हो भी ना सर जी, गलती ने नाल ही होता है। असी भी महकमे ले लें यार, कोई गुनाहगार होता है सजा अफसर जितनी शिद्दत वाला आपने। मैं गुनाहगार है मैंने पता है नहीं, क्योंकि मैं यूटर्न लेता। जितनी शिद्दत वाला हाँ जी जितनी शिद्दत वाला आपने एक्सप्रेशन दिया है वो उससे थोड़ा डाउट क्रिएट हो गया कि यार बड़ी बात है। नहीं ये बात नहीं सर जी, अल्लाह तो देख रहा होता है ना ऊपर से। जब आप वन वे जा रहे होते हैं तो अल्लाह भी देख रहा है। ये देखना कोई हादसा हो जाए हाँ। तो ये तो हमारी गलती है, हम खुद अपनी गलती से मर जाते हैं। आइंदा तो नहीं ऐसे होएगा ना? हाँ जी है? नहीं। चलो कब यार सर ये कोई पॉसिबल है कि इन लोगों को आप कह दें और समझा दें और ताकि इनको ये नेक्स्ट करें भी ना, क्योंकि 2200 तो मकसद नहीं है, मकसद तो उनको ये है कि इनको समझाना मकसद है ना कि कम से कम ये दोबारा इस तरह के वायलेशन ना करें। लेकिन इस तरह इसकी कोई गारंटी है इनके पास कि ये दोबारा नहीं करेंगे? ये इस तरह हो नहीं सकता, पॉसिबल नहीं है। जो बंदा एक दफ़ा चले जाता ना, कानों को आताज लगा गया, कानों को पूरी दुनिया देख रही है। पूरी दुनिया देख रही है, मुझे इस पर एतबार है। चले सर जी मेरा भाई जी सर हैं। हाँ जी आप देखें, पता नहीं किस किस को FIA का ये धमकियाँ देता होगा। बिल्कुल पता नहीं है भाई मोहल्ले में इस तरह नाम महकमे का यूज़ करो, ये तो रिक्स है आपकी जान का। हाँ पता नहीं किस किस को FIA की धमकियाँ दे भाई। आइंदा आपने नहीं करना जी सर, और आपने वन वे नहीं जाना जी सर, और ये FIA नहीं लिखना ठीक है। ये आपके महकमे वालों ने भी देखनी है, जब वो देखेंगे तो डेफिनेटली कहोगा सर जी मैंने मेरा तो पहली गल अपनी रोज नहीं मिलती पता की सर जी, मेरी तो सैलरी पे मिलती है ना कुछ सही, तो मैं नंबर प्लेट सब तो पहले लगा ला सर जी। हाँ ठीक है, मैं सरकारी नहीं है ना, खुद ये सरकारी नहीं है ना। अच्छा प्राइवेट हो आप? प्राइवेट है, कॉन्ट्रैक्ट पे होंगे ना। भी गल हो रही थी परेशानी कहते मुझे सैलरी भी नहीं मिल रही। चलो देखेंगे कुछ ख्याल कर लें, नहीं तो फिर आप अपना ना ख्याल रखें। मैं ये उतार दिया उसे, ये नंबर प्लेट भी इन्होंने उतारी है, और सर से हमने रिक्वेस्ट की थी कि आप इनको जुर्माना ना करें, इनको वैसे बता दें अगर
इस तरह ज्यादा बेहतर रहता है या जुर्माना करना बेहतर रहता है? सर देखिए, वो तो वार्निंग दी है, वो भी कमज़ोर बंदा है, वो फोर्ड नहीं कर पा रहा, लेकिन गलती तो है ना इसमें, उसकी उसकी जान का भी मसला है और दो जिसे जाके मारेगा उसे भी मसला है। वार्निंग असर कर जाती है कई दफ़ा? देखें, अगर एहसास होगा तो कर जाएगा, वो तो कह रहा है मैं दिन में एक बार तो वन वे करता हूँ। कोशिश करें अब कल से बिल्कुल रिमूव कर दें। बड़ा पक्का है इस मामले में वन वे करने में मामले चले तो सारे एतबार कर लें आप पे, क्योंकि सर को रिक्वेस्ट किया तो आप ऐंदा नहीं करेंगे। सर जी, आप इस तरह ना करने से आप ही का फ़ायदा यार। जी सर जी, आप खुश रहें, इसी तरह मुस्कुराते रहें, तो ये आप ही का फ़ायदा यार, और किसका फ़ायदा? ना तो इसका फ़ायदा हम सायों को है, ना हमें कोई फ़ायदा, आपकी ज़ात को फ़ायदा है ना। तो आप ऐंदा नहीं करेंगे हैं और तनख्वाह मिल जाएगी यार, ख्याल है, हो जाता है 19-20 कई दफ़ा चीज़ें आहिस्ता आहिस्ता ठीक हो जाती हैं कई दफ़ा, हैं डिसहार्ट होने की या मायूस होने की तो ज़रूरत नहीं है। तो इन्होंने भी सही कहा था कि यार चलो इधर से ले जाओ, हैं क्या ख्याल है? बहुत अपना ख्याल रखें, खुश रहें आप, परेशान होने की ज़रूरत नहीं है आपको, ठीक है ना। और जिनको आपने FIA की धमकियाँ दी हैं ना, वो नहीं आप देनी है। अल्लाह माफ़ करे, मैं नहीं देती। बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। अभी प्रॉपर वे से जाना है वापस, आपने वहाँ से जाके प्रॉपर टर्न करके आपने प्रॉपर रास्ते से जाना है, वन वे नहीं आ पाएंगे। अगर अभी वन वे आएंगे तो डेफिनेटली आप पे पर्चा होगा, ठीक है सर। माजी के लात भी जरा देख ले जी। अस्सलाम वालेकुम। पंचर है जी। क्या हुआ? पंचर हो गई, पंचर हो के लेके आ रहे हैं। पंचर है जी? पंचर है, पंचर है, पंचर आ रहे हैं क्या इनको? तो फिर आप पंचर वाला तो आगे है यार, खुदा का खौफ कर, पंचर पैदल आ रहे हैं, मैं पैदल आ रहे हैं, तेरा क्यों दिमाग खराब है? मैं पैदल आ रहे हैं, पैदल वाले को भी अलाउ यार, मैं पैदल किधर नहीं आवांगा, मैं दस मैं तो क्रैश करेगा, मैं क्रैश करेगा, पैदल आ रहे हैं। नाम क्या आपका? आपका नाम क्या? नाम क्या? कासिम। कासिम भाई, इतनी धमकियां क्यों दे रहे हैं? यार पैदल आ रहे हैं, मैं पंचर हो गई। इजी हो जाए, सांस ले लंबे लंबे, आप हमें परेशान हो रहे हैं। कासिम भाई इजी हो यार, क्या हो गया यार? सुन लिया, सुन लिया, सुन लिया, सुन लिया, पंचर है। सारे बंदे, इतने बंदे इकट्ठे करके आपको पंचर लगवाते हैं, आप भी परेशान हो रहे हैं? हमारी ड्यूटी पेंचर लगवाना, आप परेशान हो? नहीं, हम लगा के देंगे। मेरी ड्यूटी है सर, हम आपके साथ। नहीं, नहीं, मेरी ड्यूटी। कासिम भाई, पैदल वाले को नहीं रोकना चाहिए ना इसको, क्यों? अच्छा, मुझे कासिम भाई आप मुझे ये बताएं कि यहाँ कहाँ बोर्ड लगा है कि पैदल वाला यहाँ से मोटरसाइकिल लेके गुजर सकता है? आपने बोर्ड दिखाना है मुझे। बोर्ड का मुझे नहीं पता, मैं साहब इधर ही काम करता हूँ, मुझे बोर्ड का पता। आप दूसरी बात, बोर्ड का नहीं पता। दूसरी बात, आपने किस किताब से पढ़ा? पैदल तो आ सकता हूँ। कहाँ पड़ा? इधर ही पंचर हुई है मेरी मोटरसाइकिल, इधर नमाज पढ़ के आ रहा हूं। कहाँ लिखा हुआ ये पढ़ा? मुझे इसका नहीं पता। पढ़ा कहाँ से? पढ़ा नहीं मैंने। किसी ने बताया? नहीं, किसी ने नहीं बताया। तो आपको क्या, कैसे पता? मैं कहता हूँ मैं पैदल आ रहा हूँ, पैदल तो आ सकते हैं। कैसे पता है आ सकता हूँ? पैदल आ सकता हूँ, पैदल बाइक पे चढ़ के नहीं आना, खिलाफ वर्जी है। कहाँ इधर बोर्ड लिखा है कि यहाँ बाइक पे चढ़े बगैर आप आ सकते हैं? ये लगाएंगे, लगाएंगे तो पता चलेगा ना। साथ वो ज़ेब्रा क्रॉसिंग सी पैदल चलने के लिए बनानी चाहिए थी, इधर को बनी हुई है रोड पे, देखें भला इधर को जा सकते हैं आप। किधर मैं क्रॉस करूंगा मोटरसाइकिल? आप गुजारिश सुनिए, समझ रहे मेरी? मैं क्रॉस कर ही नहीं सकता। मेरी गुजारिश नहीं समझ रहे? हाँ जी। इधर आप किधर जा रहे हैं? तो मैं इधर से आ रहा हूँ, मैं इधर से टर्न करूंगा ना, मैं किधर जाऊंगा? कैसे इधर? मैं किधर जाऊंगा? शान चौक पे जाऊंगा। वो आगे है पंचर वाला? नहीं, पंचर इधर आई नहीं। बिल्कुल साथ है? नहीं, नहीं है पंचर बिल्कुल। हाँ, कोई बता रही है सर, अगर पंचर वहाँ मौजूद नहीं है, ये सरकारी ड्यूटी कर रहे हैं, बात सुने, टेंशन वाली बात नहीं है। एक गवर्नमेंट ने रूल बनाया कि जो वन वे लोग आ रहे हैं ना, उनकी वजह से हमारे मुल्क के अंदर बहुत मिनट खासे होते हैं। हाँ जी, सुनाए सुनाए। बिस्मिल्लाह, मैं कहता हूँ मैं मोटरसाइकिल पे चढ़ के नहीं आया, मैं नमाज पढ़ के आया हूँ, उधर पंचर हो गई, मैं उधर से थाने से पैदल आ रहा हूँ, ठीक है? बाद में, ठीक है, मैं अगर मोटरसाइकिल पे चढ़ के आता हूँ ना, फिर मेरी गलती। सूरतें दो हैं, सूरतें दो हैं। एक सूरत ये है कि आप समझते हैं जो अभी बताया आपने कि ये तो मेरा हक है कि मैं पैदल बाइक को लेके जिधर मर्जी जा सकता हूँ, आप ये बात कर रहे हैं? नहीं, आप ये बात कर रहे हैं ना? नहीं नहीं, आपका हक है। नहीं नहीं, मैं नहीं कहता। दोबारा कर लें, दोबारा सुन लें, इतने सुन लेते हैं, दोबारा कर लें। जिधर मर्जी मैं नहीं लेके जा सकता, जिधर से मेरी पंचर हुई है उधर से नमाज पढ़ के आऊँ, मेरी मजबूरी है। आप पंचर बाइक पंचर को अगर सेंटर में होती, आप मिक्स कर रहे हैं, मिक्स कर रहे हैं आप चीज़ों को। आप अपना हक जो है पैदल चलने का, पैदल चलने का तो देना चाहिए ना, पैदल आप उसमें बात करें फिलहाल। हाँ, पैदल चलने का वो आपका हक है क्या? पैदल का हक देना चाहिए जब एक चीज ऑपोजिट टू ट्रैफिक।
नहीं आप मैं ट्रैफिक को तंग नहीं किया, ट्रैफिक को तंग नहीं किया, नहीं देखें साइड पे आ रहा हूं, आप देखें मैं साइड पे आ रहा हूं, किसको तंग किया है किसको नहीं तंग किया इसका फैसला कानून ने करना है। नहीं मोटरसाइकिल बाइक पे चढ़ के आए तो फिर इनका हक बनता है, आप मुझे बता दें, देखें देखें मेरी बात सुने कासिम भाई, पैदल बंदा, कासिम भाई मेरी बात सुने, पैदल बंदा, आप मुझे पूरी सड़क पे कोई बोर्ड लिखा दिखा दें, मुझे तो बोर्ड का बोर्ड दिखा देना, नहीं बोर्ड आप किसी रूल को जिस रूल की आप बोर्ड जिस रूल की आप वकालत कर रहे हैं वो रूल ये है, बोर्ड लगा सुन लें जरा, मैं कभी नहीं आऊंगा, आप कह रहे हैं, आप कह रहे हैं कि मोटरवे पे आप चढ़े, मोटर पे की सुन ले ना बात तो सुन ले, मैं तो उधर जाते आपकी सारी बातें मैंने सुनी, आप मेरी सुन ले, इधर की बात मोटर वे पे बंदा चढ़ा सर, वो गाड़ी को धक्का लगवा के लाहौर की तरफ आना शुरू हो जाए, लाहौर की तरफ आना शुरू हो जाए, वहाँ होने देंगे नहीं नहीं उधर, अच्छा वहाँ नहीं होने देंगे, वहाँ तो वो मोटर वे पाकिस्तान में नहीं है, नहीं वो तो कहाँ है, हाईवे है, वो मोटर को इस मोटर के साथ नहीं मिला सकते आपका बीवी, वो हाईवे है, ट्रैफिक रूल्स, एक मिनट जरा ट्रैफिक रूल्स सुन लें जरा, उधर ट्रैफिक रूल्स हाईवे के साल सुन लें, हाईवे के ट्रैफिक रूल्स, हाईवे के ट्रैफिक रूल्स, हाँ जी, और यहाँ जहाँ आप खड़े हैं क्या फर्क है बताएं जरा मुझे, उसमें जमीन आसमान का रूल्स का क्या फर्क है सर, रूल बताएं जरा क्या फर्क है, रूल का अगर देखा जाए तो ये ट्रैफिक वाले भी क्या फर्क है, रूल आते हैं इधर से, रूल का क्या फर्क है, ट्रैफिक वाले खुद इधर से, आपने अपना बताना है इस वक्त आप आ रहे हैं, ये ट्रैफिक वाले आपने बताना है कि रूल्स का क्या फर्क है, रूल का मेरी हम्बल रिक्वेस्ट है आपसे कि आपने मुझे बताना है कि ट्रैफिक रूल्स का हाईवे पे और जहाँ आप खड़े हैं क्या फर्क है, फर्क नहीं है, मैं कहता हूँ फर्क नहीं है, फर्क नहीं, लेकिन ट्रैफिक मैं तो आपको अभी आप कह रहे थे फर्क है, परेशान कर परेशान आप कैसे हो गए, तो सारा मजमा परेशान आपने किया हुआ है, हाईवे पे ले गए वो मोटर वे पे, मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, बात रिक्वेस्ट की नहीं है, बात है आपकी जिंदगी बचाने के लिए आप, जो आपने मेथड अडॉप्ट करना है वो करना उसकी चाहिए, वो करना चाहिए मैं कहता हूँ, तो आप इस तरफ कैसे जा सकते हैं, तो मैं नहीं जा सकता, चलो ठीक है मैं मालिक रिक्वेस्ट करेगा, नहीं, नहीं रिक्वेस्ट की नहीं, नहीं मेरी गुजारिश नहीं आप समझे, हाँ जी ये रास्ता तो जाता ही नहीं, नहीं मैं तो इधर नहीं जाना, मैंने तो इधर जाना, रिक्वेस्ट है मैं आइंदा से नहीं इम्पोर्टेंट बंदा है, आइंदा बड़ी जरूरी बात हो रही, आइंदा से नहीं आऊँगा, मैं कहता हूँ सबको अगर एक दफा रोक लिया ना आपने कह दिया मुझे पता चल गया दोबारा मैं कभी भी ओके, तो आपको ये पता नहीं था, नहीं मैं पैदल का नहीं मुझे पता था ना मैं पैदल आ रहा हूँ ना, किसी ने कभी आपको पैदल जाते पेंचर अलहदा बात है, पेंचर मजबूरी है वो इमरजेंसी, वो अलहदा बात पेंचर वो बात अलहदा, देखे आप मुझे ये बताएं कि जिंदगी में कभी आपको किसी ने नहीं बताया कि आप पैदल जा रहे हैं, नहीं पैदल तो आप क्या कह रहे आप सच बोलेंगे, मैं उम्मीद रखूं आप सच बोलेंगे कि आपको नहीं पता कि पैदल नहीं जाना चाहिए, नहीं पैदल जिंदगी में पहली दफा पता चला, कसम से नमाज पढ़ के पैदल का मुझे नहीं पता कि पैदल भी नहीं आना, आपका ख्याल था कि रोड पे पैदल जितने मर्जी मोटरसाइकिल उठाए चले जाएं, नहीं इस तरह तो नहीं ना, मैं आप कर रहे थे, नहीं इधर नहीं मैं तो इधर से आराम से पैदल, कसम से पेंचर हुई तो मैं आया, पेंचर हो रहा था मेरा मैटर है, वरना मैं खींच के लाने इतनी बड़ी मुश्किल है, आप वैसे वन वे कभी नहीं गए बोट बैक पे बाइक पे बैठ के, नहीं आप मुकर जाएं कहीं मैं कभी नहीं गया, नहीं नहीं वन जब पाकिस्तानी हूँ, नहीं नहीं वन वे जरूर गया हूँ, गए हैं पहले गया हूँ 10 साल पहले, नहीं नहीं पहले की पहले मतलब हफ्ता पहले, नहीं महीना 2 महीने पहले लगा ले, दो महीने के दौरान नहीं गए, नहीं यानी कि 9वें साल में आप पहली दफा गए हैं, नहीं 9वें साल में पहली दफा है ना, पहली मरतबा, आखिर दफा आप 2020 में गए थे, 2020 पिछले, अच्छा क्या करेंगे सर, इसका भी चलान होगा, चलान करेंगे वन वे का 2000, इनका पंचर कौन लगवाएगा वो अलग मैटर है, अलग मैटर चलान होगा भी, चलान कितना करेंगे 2000 का, 2000 का चलान, खुदा का खौफ करो यार, वो खुदा का खौफ करो, 2000 जब मेरे पास पैसे नहीं है तो मैं कहाँ से 2000 दूंगा, तनख्वाह नहीं मिली अभी, क्या करते हैं कैसे करूँगा मैं, तनख्वाह नहीं मिली अभी, मैं इधर ही काम करता हूँ, 2000 का चलान मैं नहीं अफोर्ड कर सकता, बस मैं वो खिलाफ वर्जी की है, मैं इधर वन वे पे जा रहा हूँ, मैं सेंटर पे जा रहा हूँ, 2000 का खुदा का खौफ करें, मैं नहीं चलान कर सकता, मैं इसका नाम भी ला लो, मैं पैदल आया हूँ, मैं 2000 का नाम सुन के मैं नहीं जा सकता, 2000 का चलान खुदा का खौफ करें यार, मोटरसाइकिल ले लो सारा कुछ ले लो, 2000 का चलान कभी हो सकता है, मैंने कोई जुर्म किया, मैंने क्या किया, मैंने सेंटर पे आया हूँ, मैंने किसी को नीचे दिया, मैं पैदल आ रहा हूँ पैदल, वो चाबी मेरी दो चाबी चाबी दी वो चाबी कोर्ट में चल गई, वो चाबी इधर चल गई, चाबी कहाँ वो चाबी चल गई, वो चाबी कहाँ चल गई, कोर्ट में चल गई, जेब में चल गई, जेब में क्यों जाएगी मेरी जेब में, आपकी चाबी क्यों जाएगी, मुझे परेशान कर दिया यार 2000 का चलान सुन के, मेरी जेब में आपकी चाबी क्यों जाएगी, वो चाबी गिरी ना मेरे हाथ से, मेरी जेब में चलेगी यार, इतना जो मर्जी कह देते नहीं, चाबी मेरी गिर गई तो मैं परेशान हो गया,
मैं 2000 का चालान सुन के मेरे आपकी परेशानी मुझे समझ आ रही है, लेकिन आप इनकी परेशानी नहीं समझ रहे सर जी। मैं इनके इनकी एक ही परेशानी है। नहीं मैं इनकी परेशानी है क्या पूछे क्या क्या कि आप हिफाजत से घर जाए। बिल्कुल हिफाजत से जाना चाहिए। कैसे जाएंगे आप तो जाए गलत जगह रहे। नहीं सर जी मैं रोड पे मोटरसाइकिल पे चढ़ के आया हूँ तो फिर मेरी गलती है। फिर 2000 का पैदल वाला कहाँ लिखा है पैदल बताना मुझे। नहीं पैदल बोर्ड कहीं हवा में लगा है जो मुझे नजर नहीं आ रहा तो बताएं मुझे। अच्छा आप आपके किसी मोकल ने बताया होगा कि हवा में एक बोर्ड लगा है जिसपे लिखा है लिबर्टी में मोटरसाइकिल लेके जितने मर्जी जा सकते हैं। सर जी पैदल वाला बोर्ड लिख के लगा दें फिर गलती नहीं होगी। लिख के लगा दे कोई भी नहीं आएगा बस डायरेक्शन में पूरा लाहौर इधर जा रहा हो पैदल बाइकें करके पैदल तो फैन चौक से उतरे और इधर चल पड़े। पैदल से इधर भी जाते हैं पैदल भी नहीं जा। आप क्या कर रहे थे इस वक्त? नहीं सर जी मैं कहना बात इस वक्त किसकी हो रही है? नहीं नहीं लड़कियां भी आ रही हैं। कासिम भाई किसका नाम है? करास का। कासिम किसका नाम है? कासिम साहब आप है ना हमारे बुजुर्गों की जगह आप हमारे बड़े हैं लेकिन आप बातें सारी पता नहीं किस तरह की कर रहे हैं। सर जी मैं तो वैसे देख के उन्होंने मुझे पैदल ही रोक लिया। मैं तो वैसे ही डर गया हूँ। मैं क्या ये तो अब पैदल भी नहीं आने देंगे तो क्या कैसे आए जैसे सब पैदल तो आना चाहिए ना। पैदल नहीं आना चाहिए तो अब क्या करें? एक गाड़ी ख़राब होगी एक चीज़ होगी उसको कैसे आगे पीछे करेंगे किधर किस तरह लाएंगे? ट्रेन पर रख के लाएँगे कैसे लाएंगे मुझे बता दो और मैं उस तरह अमल कर लूँगा मैं आपके कहने पर। चलो छोड़ो मैं मेरी बात सुन मेरी बात सुन कासिम भाई ये है कि आप नहीं करूँगा गुजारिश ये है आप वन वे ना जाया करें। नहीं 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 जाओ कभी ना जाए नहीं जाओ आपकी अपनी जिंदगी के लिए। बिल्कुल सही है। आपके घर में बच्चे बुच्चे हैं? नहीं बच्चे नहीं। बच्चे कोई घर में कोई है? हाँ बच्चे कौन है? जैसे सब भाई वो भांजियाँ भांजे वगैरह वो आपसे प्यार नहीं करते? प्यार करते। आप खुदकुशी करने चले हुए आज? नहीं करना। और खुदकुशी किसे कहते हैं? करूँगा नहीं करूँगा। ये आपने आइंदा आइंदा नहीं करूँगा नहीं करनी बहुत ठीक है। अभी क्या करेंगे? पंक्चर होगी गाड़ी जो लेकिन होता है इसका वन वे का चलान ही होगा। वन वे का चलान होगा चलान आप कह रहे हैं कि पंचर की सूरत में आप इनको कोई थोड़ा अकोमोडेट करना चाह रहे हैं सीनियर सिटीजन होने की वजह से। अदरवाइज आप पंचर ना होता तो आप चलान वन भी जैसे कर रहे थे वन वे का चलान। बिल्कुल पैदल भी नहीं आऊंगा। आप बोले मेरे साथ साथ मैं नहीं आऊंगा। मैं कासिम पूरी कौम के सामने इस बात का अहद करता हूँ कि जिंदगी में कभी मैं वन वे नहीं जाऊंगा क्योंकि मेरी जिंदगी इस तरह गैर महफूज हो जाती है। गैर महफूज रहती। मैं अपने बच्चों को भी यही तलकीन करता हूँ। मैं बच्चों को सबको तलकीन करूँगा। ठीक हो गया अपना ख्याल रख। अब क्या अभी इधर से आप जाएंगे? ठीक है सर मैं सीधे आराम से जाके और आप अपना सुखी सुखी घर जाएं। ओ सर जी मैं आने से मैं थोड़ा पेट्रोल कम से इसलिए बजट की थी। ध्यान करें अपना है ख्याल करें। इंटरव्यू में पेट्रोल भी बुरा चेक किया था। पेट्रोल बुरा था मेरी गाड़ी के अंदर। पेट्रोल अभी डलवा के आया भाई जान है क्या कह रहे हैं अभी पेट्रोल डलवा के आए यार कितना स्मार्ट बच्चा है भाई हमारा। क्या नाम है आपका सर? उबैदुल्लाह मेरा नाम। आप क्या करते हैं? मैं मामू के साथ काम करता हूँ। ठीक चल रहा है काम अल्हम्दुलिल्लाह। लेकिन उबैद ने कहा है कि पेट्रोल भी पूरा है भाई आपके पास। बहुत शुक्रिया उबैद। अभी डलवा के आया पेट्रोल। वन में नहीं जाना था ना फिर दो दिन से जाना था। बहुत शुक्रिया आपका।